ही किसान हल वाला निशान। ऐ हम वतनो जागो जागो हक पागो, ना डरना है ना झुकना है भी जीत के अब। नेशनल नेशनल मुश्किल को ना आने दो, दिल पे दम लेना है। आधी हो या तूफान हो अब अदल का सूरज चमकेगा, सब ख्वाब निखर कर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू द वन न्यू फ्रेश व्लॉग। आई होप कि आप सारे लोग जो बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। सो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐसी लोकेशन से, ये आप देख सकते हो पीछे लगा है पैंथर। तो हमने सोचा आज करेंगे राइड ऐसे मौसम में, आज बादल ही बादल है हर साइड से। सो बारिश में भी हमने जो है राइड्स किए हैं और धूप में भी हम करते रहते हैं। सो आज हमने सोचा कि आज करेंगे बादलों में एक राइड, मतलब पता नहीं क्या बारिश होगी या फिर से धूप निकलेगी, अभी हम उसका कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हमें सोचा हम करेंगे राइड स्टार्ट आज की। तो ऐसी लोकेशन से हम आज का व्लॉग जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अच्छी लोकेशन थी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से पीछे से व्यू वगैरह। तो आज हम जाएंगे ऐसी नॉर्मल राइड के लिए, और बाइक में एक दो चीज़ें जो है करानी है वो आगे जाके जो आपको पता चलेगा क्या बाइक में कराना है। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल गए, मिलते हैं आपसे सीधे मोटो व्लॉग के सेटअप में। तो ये देखो जी, ये रही बाइक। तो अब हम यहाँ से जो है निकलने वाले हैं, यहाँ से करेंगे हम आज की राइड स्टार्ट। सो देखते हैं क्या सीन रहेगा, कहाँ हम जाएंगे, वो आगे जाके आपको जो है पता चलेगा। बाइक में अभी जो है हमें एक दो काम करवाने हैं, मतलब बाइक की जो आवाज़ आ रही है पिछले टायर से, शूज़ शायद डैमेज है पूरा, तो वो आवाज़ दे रहा है बहुत ही गंदी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बैटरी, आपको पता है कि बाइक की पिछली बार डाउन हो गई थी। सो उस टाइम हमने जो इनिशियल चार्ज की थी क्योंकि उसको अवेलेबल नहीं थी उस टाइम बैटरी। पहले हम यहाँ से जो नॉर्मल राइड करेंगे ऐसी, तो फिर आगे देखते हैं कि कहाँ रुकेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम, क्या क्या करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। बाकी यहाँ से रिजल्ट जो है इलेक्शन के वो भी आज ही है, तो अभी पता नहीं कि वो आउट हो गए नहीं हो गए, किसने जीता है, क्या सीन रहा है, वो भी आगे जाके जो आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हम जाएंगे यहाँ से सीधे नॉर्मल राइड पे आगे तक, फिर आगे जाके आपसे सीधे मिलेंगे। ये देखो जी, ये रहा राजपुरा का जो है रिजल्ट, गुलाम मोहिद्दीन मीर एनसी और सेकंड सैयद बशीर अहमद पीडीपी। तो आप देख सकते हो कि राजपुरा कंस्टिट्यूंसी जो हमारी है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से जो है एनसी लीड कर रहा है। तो बाकी भी देखेंगे कि फाइनल अब रिजल्ट क्या निकला है, वेट करो। वाह भाई वाह, ग्रुप पे भी मैसेज आई है कि जश्न करो, मतलब कि एनसी ने जीता है जिसके सपोर्ट में हम थे। थोड़ी कल पहले किसने जीता है इलेक्शन, रिजल्ट निकला होगा, आप तो दिखा मुझे किसने जीता है, लीड कौन कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, मुझे दिखा। असेंबली कंस्टिट्यूंसी खान साहिब को क्या करना है, हमें ओवरऑल कश्मीर का दिखाना। सैफुद्दीन भाटी भी एनसी का ही है ना, ये लीड कर रहा है बड़गाम में, हर साइड से लीडिंग जो है एनसी है। सो अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, कौन सी पार्टी आगे होगी और फिर कौन सी पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, वो आपको भी पता चलेगा हमें भी पता चलेगा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे हर साइड से एनसी एनसी, ये देखो जी। हाँ एनसी हर साइड से भाई, अब हम देखेंगे कि क्या सीन रहेगा, वो लास्ट में जो है पता चलेगा हमें। फिलहाल कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, फिलहाल हम ग्रुप्स वगैरह पे देखते रहते हैं कि हर साइड से एनसी की जो है वेव है, क्या बोलेंगे इसको, वेव है हर साइड से एनसी की कर रहा है। सो अब देखेंगे हम कि क्या सीन रहता है भाई। फिलहाल हमने पैंथर यहाँ पर लगाया, सो अब हमने सोचा पहले हम यहाँ पर रुकेंगे, पहले इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे में किसी के सपोर्ट में नहीं था, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन मैं परसों जो एक बार एनसी के रैली में गया, मैंने उस दिन व्लॉग भी डाला, सो तब से
मुझे मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनसी क्या जीतेगा, वो जीतेगा, ये जीतेगा। सो मुझे तब से ज़्यादा जो है पेन लगी उन लोगों की। सो उनको मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सुन रहे हैं व्लॉग में, कि भाई आप कुछ भी करो, जीत तो इंशाल्लाह हमारी होगी। एनसी जो है लीड कर रहा है हर साइड से। बाकी जिन पार्टीज़ की आप बात कर रहे थे वो तो कहीं वजूद में ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं दिख रहा है कहीं पे। सो देखते हैं आप, अगर एनसी ने जीता इंशाल्लाह तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेटर फ्यूचर के लिए कश्मीर के लिए। बाकी पार्टीज़ ने आपने देखा ही होगा क्या कुछ किया, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलना भी गलत ही होगा। सो अब आना चाहिए जिसका यहाँ पे चल रहा है अभी प्रेजेंट में, जो पार्टी है उसको हटाना है। बाकी कोई सी भी पार्टी आए, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या एनसी हो या कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी आए अच्छी, लेकिन इस पार्टी को हटाकर। मुझे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि फिर से वही पार्टी जीतेगी, भाई ऐसा नहीं है, वो बाहर जीत सकती है जेएनके में। मतलब वो लोग क्या होंगे जिनने उनको सपोर्ट किया है, जिनने हमारा कश्मीर बर्बाद किया। सो यहाँ से हम अब निकलेंगे, देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे। ये देखो जी, मुझे शूज़ भी बाइक के जो है चेंज करने हैं। पहले हम अपना काम देखते हैं, बाकी काम को छोड़कर। ये भी डैमेज है और बैटरी का भी पता ही है आपको। और जब से मैंने बाइक रिपेयरिंग पे छोड़ी, मतलब वहाँ पे एक शोरूम पे, जब से आगे जो है पूरा साइड ख़त्म था, ये पैनल मुझे तब से मिली नहीं कहीं पर। ये भी लानी है। सो देखते हैं अब क्या सी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे। सो यहाँ से जी वापस निकलेंगे हम अब। ये देखो जी, अब हम सीधे आ गए लाल चौक घंटाघर के पास। तो यहीं पे हम थोड़ा सा टाइम जो स्पेंड करेंगे। सो फिर देखते हैं, फिलहाल हम बाइक लगाते हैं वहाँ से और कहीं पे हम बैठते हैं बेंच पे। पहले बाइक का सीन है, पहले बाइक लगाएंगे साइड में, फिर बाकी। तो ये देखो जी, पता नहीं यहाँ पे क्या गाड़ी है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लगाएंगे बाइक और यहाँ से हम जाएंगे। पहले हम देखेंगे वो गाड़ी, यहाँ पे यात्री इसके लिए है, ये आप देख सकते हो, इसलिए यहाँ पे गाड़ी भी रखी है। यहाँ से इनका कुछ है, यहाँ पे यात्री निवास। सो इसलिए यहाँ पे गाड़ी रखी है, कैसे मॉडिफाई की है गाड़ी, ये आप देख सकते हो। ताला भी लगा है, पता नहीं क्या है अंदर, क्या कुछ सीन है, लेकिन गाड़ी बहुत तगड़ी बनाई है इन्होंने। सो हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगे, बैठेंगे कहीं पे। A few moments later. तो आप देख सकते हो कि घंटाघर के पास हम रुके थे। सो अब हम यहाँ से निकलेंगे, पहले आपको दिखाएंगे कुछ शॉट्स, तो फिर उसके बाद निकलेंगे। सीधे आ गए, उसके बाद हम कहाँ, सिटी मॉल। ये देखो जी, यहाँ पे हम आते रहते हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, और फोटो शूट के लिए भी हम कभी कभी आते हैं यहाँ पे। सो आज भी हम फिर से आ गए, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम सीधे यहाँ से। सो What will happen? You will see in the video. ये वाला एस्केलेटर चलता नहीं है, तो यहीं से हम जाएंगे, वरना मैं घूम के वहां से आना था ऊपर चढ़ने के लिए। सो यहाँ से हम ऊपर आ गए सेकंड फ्लोर पे। सीधे अब हम जाएंगे गेमिंग रूम में। सो देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगे, व्लॉग को करते हैं बंद, क्योंकि अंदर ऑन नहीं रख सकते, गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनको व्लॉग में नहीं ला सकते, लड़की होती है क्या होती है। सो वहाँ से आके मिलते हैं। तो पहले हम सीधे आ गए KFC, पहले हम यहाँ से जो है कुछ खाएंगे, उसके बाद ही जो है आपसे सीधे मिलेंगे। वहाँ पे जो है हमने अच्छे से खा लिया, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस, तो जाएंगे अब यहाँ से सीधे बाहर।
मिलेंगे आपसे सीधे बाहर मोटर व्लॉग के सेटअप में। देख सकते हो कि यहाँ से कितना प्यारा व्यू है डल का। जितना देखे डल को इंसान मतलब उतना कम है, उतना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगता है। इंसान जो है बोर नहीं होता है इसको देखते देखते। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मौसम भी उस टाइम वैसा ही है। सो अब हम जाएंगे यहाँ से आगे थोड़ा। यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा सा आगे। ये देखो जी यहाँ से कितना प्यारा गार्डन है अंदर से, और पीछे से उसका व्यू भी बहुत ही बढ़िया है। अंदर से जो है पानी वगैरह भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। दूर से आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो जी ऑटो वाले के साथ क्या होती है मगले सा। देखो जी भाई की स्कूटी जो है पता नहीं खराब हो गई थी, मैंने रिक्शा को धक्का मारा था, मुझे लगा वही डैमेज है। मुझे लगा था वही है खराब। ये देखो जी ये रहा ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पे यहाँ से चढ़ाई है तो भाई भी आगे जा रहा है आराम से। थोड़ा सा धक्का मारा हमने ऊपर तक। सो अब देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। हम पीछे पीछे चलेंगे, अगर और भी हेल्प चाहिए तो हम करेंगे। ऐसा करना चाहिए, कभी हमारे साथ भी ऐसा सीन हो सकता है, होता है तो हेल्प करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ से कोई हेल्प करता नहीं बाइक को। यहाँ से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ वगैरह भी होती नहीं है। सो जाते आगे तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई की हमने मतलब हेल्प की बहुत ज़्यादा। हमें वहाँ से आना नहीं था, हमें वहीं से जो है राइट निकलना था और वापस जाना था उस गार्डन की ओर। अब यहाँ तक हम आए घूम के, अब हम नए से आए लॉर्ड रोड पे आए, आना नहीं था यहाँ से। अब भाई की हेल्प करते करते हम यहाँ तक आ गए। सो हमने सोचा हेल्प करेंगे, कभी ऐसी सिचुएशन में हम भी होते हैं, हम भी हो सकते हैं, तो ऐसी हेल्प जो है छोटी मोटी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि मतलब उसने हमें ऐसी चीज़ें दी है जिससे हम दूसरों को मदद करें। हर कोई चीज़ दी है कि जिससे हम दूसरों की जो है मदद करें। सो अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगे वापस। राइड भी हमने जो है फुल पावर करी यहाँ से, बहुत ही मज़ा आया आज, क्योंकि गर्मी भी नहीं थी। ये देखो जी यहाँ से दूसरा भाई स्कूटी को धक्का मार रहा है ऐसी जैसे बिल्कुल हम
लात मार रहे थे उस वाली बाइक को। सो अब हम यहाँ से जाएंगे वापस, तो मिलते हैं आपसे सीधे आगे। सो ये देखो जी, अब हम पहुंचे वापस हॉस्टल है, आप देख सकते हो टाइम भी, आप देखो 5:25। तो अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे अंदर, व्लॉग को करेंगे एडिट, तो इस वाले व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। व्लॉग में कुछ क्लिप्स मैंने ऐड की है जो कि अंसी के रिलेटेड है जिन्होंने जीता इलेक्शन। सो अब करेंगे व्लॉग को यहीं पे एंड, जाते सीधे अंदर, मिलते किसी अच्छे प्यारे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।